बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाक फूड मेक एंड टेक। मैं हूँ आपकी दोस्त अनम। तो जी नाज़रीन, आज मैं आपके लिए फिर एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपको मेरी पहली सारी रेसिपीज़ भी पसंद आई होंगी, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई की होंगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, और अगर आपके अगर कोई नई रेसिपी चाहते हैं तो आप उसकी भी फरमाइश कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाऊंगी, और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें। जी दोस्तों, आज हम बना रहे हैं चिप्स, आलू की चिप्स, जो कि वैसे तो सुनने में इतनी स्पेशल साउंड नहीं करती, लेकिन आज आपको स्पेशल रेसिपी बनाने वाली हूँ चिप्स की, जो कि हम मकई के आटे से बनाने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी, क्रंची बनती है। आप लोग ये इफ्तारी में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले मैंने ले लिया है 4 टेबलस्पून मकई का आटा। आप जितनी चिप्स बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से कम या ज़्यादा क्वांटिटी आप अपने कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो उसके साथ ले रही हूँ मैं 1/2 टेबलस्पून चाट मसाला ले लिया है मैंने, और चिप्स को पहले से मैंने धोकर तो पानी में आलू को भिगो दिया है, धोकर काट कर उसको पानी में भिगो दिया है। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टेबलस्पून कुटी हुई सरुख मिर्च, जिसको दड़ा मिर्च भी बोलते हैं, और इसके साथ जाएगा 1/2 टीस्पून साल्ट। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही स्पेशल रेसिपी है और बहुत ही जल्दी से बनने वाली है, इजी एंड क्विक रेसिपी है ये। जी, ये हो गया हमारा मिक्स, और ये है हमारे आलू जो कि मैंने बड़ी कटिंग के साथ काटी हैं फिंगर चिप्स में, और इनको धो लिया है। तो दोस्तों, अब जो हमने ये वाला मटेरियल बनाया है अपना, नमक, मिर्च और चाट मसाला मकई के आटे के साथ, इसको इस तरह से इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे और इसको हाथ से अच्छी तरह से मसल लेंगे। इसको हमने बहुत ज़्यादा मटेरियल को ऊपर नहीं लगाना, इसलिए हमने इसको गीला नहीं किया, और क्योंकि ये हमने धोई थी आलू की चिप्स, इसलिए ये हल्की हल्की गीली थी, बहुत ज़्यादा गीली नहीं, इसमें से पानी निचड़ रहा हो, हल्की हल्की गीली होनी चाहिए। ये देखें, इसके ऊपर ये थोड़ा थोड़ा सा मकई का आटा लग गया है। तो अब हम चलते हैं, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, हमारा ऑयल गर्म हो गया, इसमें चिप्स डाल देंगे। तो व्यूअर्स, देखिए हमारी चिप्स कितनी सारी लाइट गोल्डन हो गई है, अब हम इसको निकाल लेंगे सर्विंग में। तो जी व्यूअर्स, देखिए हमारी कितनी प्यारी, ज़बरदस्त, क्रिस्पी और क्रंची चिप्स बनकर तैयार है, आपके सामने है। तो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इफ्तारी में, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये मेरी रेसिपी। और देखिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त बनी है रेसिपी, देखिए बाहर से कितनी क्रंची और क्रिस्पी है, और देखिए अंदर से कितनी सॉफ्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त है ये रेसिपी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा, और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।